रियलिटी शो बिग बॉस में जो भी ड्रामा देखने को मिला अरमान कोहली को लेकर, क्या वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, टीआरपी पाने का एक जरिया था, या इससे ज्यादा गंभीर है ये मसला और इसे गंभीरता से लेना चाहिए? इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, रुक करते हैं रुझान का। रुझान, क्या आप भी मानकर चलती हैं, क्योंकि आपने, हालांकि आपने कहा कि आपने बिग बॉस को देखना बंद कर दिया था, क्या उसका रीजन ये था कि उसमें महिलाओं को जिस तरह से दिखाया जा रहा है, जिस तरह से गाली गलौज उसमें होता है और बहुत सी मर्यादाओं को लांघ लिया जाता है, जो कि टीवी पर हम बार बार कहते हैं कि टीवी पर इस तरह का मसाला नहीं दिखाया जाना चाहिए, उससे तंग आकर आपने वो देखना बंद किया था? मैंने मेजर रीजन यही जो आपने कहा कि एक तो पता चल गया कि ये स्क्रिप्टेड है, लोग शायद ऐसे होंगे नहीं लेकिन दिखाने के लिए कर रहे हैं। एक चीज में कमाल जी भी जब थे उन्होंने भी काफी तमाशे किए हैं, लेकिन ये चीज मैं उनसे एक्सेप्ट कर रही हूं जो वो सही बोल रहे हैं कि अगर वो जो गौहर हो या जो भी हो वो इस तरह के जो तमाशे करके दिखा रही है तो वो ऐसा क्यों कर रही है। ये मैंने बॉलीवुड में देखी, अगर करीना कपूर भी खुद आइटम सॉन्ग करने खड़ी हो जाती है पैसे के लिए और ये सब पैसे का तमाशा है और कलर उसको एक्सप्लॉइट करता है। अब मान लो कि अगर ये लड़की के लड़कों को भी एक्सप्लॉइट करता है उसमें कोई डाउट नहीं है, तो वो तो आदमी को खुद को एक अपना खुद का डिसीजन लेना है। और दूसरी बात कि हाँ, ये एक सत्य है कि लास्ट टाइम का जो शो था, जो टीआरपी थी, वो उतनी बिग बॉस को नहीं मिली थी और इसीलिए इस बार इन्होंने ऐसा जानबूझ के और मसाले डाले हैं ताकि उनको टीआरपी मिले। और जो सही कहा कि ये करोड़ों का शो हो रहा है तो ऑब्वियसली करोड़ों हर आदमी को अपना निकालना होता है, बट एक जगह पे ये वापिस, और इसलिए उन्होंने 9 बजे का प्राइम टाइम वापिस लेना पड़ा क्योंकि वो 11 बजे के प्राइम टाइम में उतनी टीआरपी नहीं मिली थी। और एक बात मुझे खास इस पॉइंट पे कहना है कि जो हमारे जैसे लोग हैं जो समझ जाते हैं वो तो ऐसे भी बंद कर दिया है देखना, और जो वो जो दूसरे टाइप, और दूसरी हाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप देखो तो इस शो में कैसे टाइप के लोग आते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू पर्सनली टेल एनीथिंग टू एनीबडी, बट इस टाइप के शो में ऐसे ही, आई मीन नथिंग ऑफेंसिव, बट बी और सी कैटेगरी के ही लोग आते हैं, तो ऐसे लोगों को देखने का फायदा भी क्या है, व्हाई टू अननेसेसरी वेस्ट टाइम, सो आई स्टॉप वॉचिंग। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अंजू मैं यहाँ पर मार्क करना चाहूंगी, देखिए आप कल्चर कहाँ ले जा रहे हैं, दूसरा टेलीविजन पे जो आप दिखा रहे हैं, सेक्स आप बेच रहे हैं, धर्म आप बेच रहे हैं, महिला आप बेच रहे हैं, इससे आपको पैसा मिलता है, इससे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा और लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं। टेलीविजन पे दिखाते हैं बहुत बड़ा बड़ा लिखा है सेक्स, ब्रेकिंग न्यूज सेक्स, तो जब आप सेक्स लिख देते हैं तो लोगों का क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है। रुझान ने बिल्कुल ठीक कहा कि यही मामला है और किस तरह की औरतें आई हैं, डॉली बिंद्रा जिन्होंने भाषा इतनी गंदी कि मतलब उन्होंने गालियां दी और उन्होंने क्या क्या टर्म्स बोले हम बोल भी नहीं सकते, पूजा मिश्रा जिसकी जुबान पे कोई लगाम नहीं था, पूजा बेदी जिसका करेक्टर हमें टेलीविजन पे देखने को मिला जबकि मैं उनका एडिटोरियल पढ़ती थी न्यूज पेपर्स में और मैगजीन्स में, तो मुझे लगता है कितना दोहरापन है इन लोगों में। और ये महिलाएं वहां इसीलिए आती है क्योंकि इनको टीआरपी चाहिए और इनको इनका करियर चौपट हो चुका है। गौहर खान जो बिल्कुल एक बी ग्रेड हीरोइन है, किसी आइटम सॉन्ग में आई है, अब उसको कुछ इधर उधर मिल नहीं रहा है तो अब उसको जाकर अपने आपको अपने कपड़े उतार के दिखा रहे टेलीविजन पे। दैट्स अ वेरी रूट लैंग्वेज बट आई एम यूजिंग, क्योंकि इन औरतों को कुछ शर्म आनी चाहिए, हमारा ये कल्चर नहीं है। कमाल, जो अभी तक प्रतियोगी रही हैं, महिला प्रतियोगी रही हैं बिग बॉस की, जिनके कुछ एक के नाम टीना भी गिना रही हैं, रुझान भी बता रही हैं, क्या आपको भी लगता है कि क्या आपने कहा कि सोफिया को भी बहुत ज्यादा माइलेज नहीं मिल पा रहा था, स्ट्रगलर है इसीलिए उन्होंने बाहर आकर ऐसे इल्जाम लगाए, क्या वाकई इस लेवल तक भी पहुंच सकती हैं महिलाएं या इस शो की प्रतियोगी की उन्हें ये सब करना पड़े सिर्फ इसलिए कि उन्हें पब्लिसिटी चाहिए? देखिए, तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि आपके जो दो बाकी लोग हैं औरतें हैं उन्होंने मान लिया कि औरतें खुद ही वहां अपने आप को डिग्रेड कर रही हैं। अगर वो चाहे तो वो बहुत ही डिग्निटी के साथ भी रह सकती हैं, जैसे हमारे शो में पूनम ढिल्लो जी रही थी। दूसरा ये कि हकीकत बात है, जिनका करियर में कुछ नहीं रहा, जिनको कोई काम नहीं मिलता, जो बिल्कुल स्ट्रगलर हैं वो बिग बॉस में जाते हैं और आप यकीन करें कुछ 5-6 लड़कियां जाती है, बट उन 5-6 लड़कियों की जगह मेरे ख्याल में 500-600 लड़कियां अप्लाई करती हैं कि उनको बिग बॉस में ले लिया जाए, जबकि उनको पता होता है कि वहां क्या होने वाला है। और जो ये कर रही हैं ये आप मेरा यकीन कीजिए कि जानबूझकर कर रही हैं क्योंकि इनको टीआरपी चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए। एक स्ट्रगलर जो है, देखिए लाखों स्ट्रगलर हैं बॉम्बे में, इन स्ट्रगलर्स का कोई ईमान धर्म नहीं है, उनको पब्लिसिटी चाहिए एट एनी कॉस्ट, वो उसके लिए नंगा होने को तैयार है, तैयार है। कमाल, मुझे लगता है हर महिला को लगता है कि पूनम पांडे बनी है,
हर महिला को लगता है पूनम पांडे बन जाए, कपड़े उतार ले, मीडिया कवर कर ही लेगा, 2-4 करोड़ रुपए मिली जाएंगे, यही आपका फाइनल एम्बिशन है एज अ वुमन। लेकिन लेकिन ये चर्चा का दायरा बहुत बड़ा होता जा रहा है, वक्त की हमारे पास कमी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि चैनल शायद चैनल ने टीआरपी के लिए सारा खेल खेला है, और जो लोग इसमें जाते हैं स्ट्रगलर हैं वो भी लोकप्रियता पाने के लिए वहां पर जाते हैं, बहुत से प्रतियोगी ऐसे जिनको इसके बाद बहुत माइलेज भी मिला है, शायद इसीलिए ये सब किया गया हो। आप सब मेहमानों ने इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, आप चलते रहिए समय के साथ।